हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास है। आज की क्लास से मैं स्टैटिक जीके भी एक एक चैप्टर क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो पेन कॉपी लेके फटाफट रेडी हो जाइए। स्टैटिक जीके से कम 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास से 2 प्रश्न पक्का है। पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। जो 50 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और कुछ नोट भी करवाऊंगा, उसको भी आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। मैं आपको फिर से बता दूँ, रीजनिंग आप लोग खुद से प्रैक्टिस किया करें। रीजनिंग जितना आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा कर लेना है आपको। कम से कम 50 में से कम से कम 45 क्वेश्चंस करेक्ट करके आना है, तो खूब प्रैक्टिस करिए। कम से कम 2 घंटा समय दीजिए केवल रीजनिंग में। जो चैप्टर ना समझ में आए तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लिया करें, कोई भी चैनल से आप लोग जो समझ में आए, जहाँ पे समझ में आए आप लोग रीजनिंग को पढ़ लिया करें, ओके। बट प्रैक्टिस आप लोग डेली किया करें, ओके। चलिए, तो एक एक चैप्टर में क्लियर करता हुआ चलूँगा। ये आज विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, यानी कि किस वायरस से, किससे जो है कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोवा हो गया। वायरस से कौन कौन रोग होते हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन रोग होते हैं, प्रोटोजोवा से कौन कौन रोग होते हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे एंड फंफूदी से जो है कौन कौन से रोग होते हैं, तो इनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। जैसे यहाँ पे वायरस से आपका चेचक होता है, रेबीज़ होता है, जुखाम होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा होता है, हर्फीज़ रोग होता है, डेंगू, ज्वर, मेनिनजाइटिस हो गया, इबोला हो गया, एड्स हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया। तो इनमें सभी इम्पॉर्टेंट है। वायरस से जितने भी रोग होते हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी रोगों को नोट करना है आपको। बैक्टीरिया से टिटनेस आपका हो जाता है, प्लेग हो जाता है, हैजा हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तपेदिक हो जाता है, ठीक है, डिफ्थीरिया हो जाता है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये सारे के सारे रोग इम्पॉर्टेंट हैं। किससे होते हैं, प्रोटोजोवा से कौन कौन से रोग होते हैं, मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, सोनी की बीमारी हो गई, पैंचिस हो गई, कालाजार हो गया, और फंफूदी से आपका गंजापन होता है, ये बहुत पूछा जाता है, दमा, खाश, दाद, ये जो है फंफूदी से होता है, ठीक है, और एथलेटिक फूड भी होता है। तो ये पहला टॉपिक था स्टैटिक जीके का। ऐसे ही मैं कल से 2-2 चैप्टर क्लियर करवाऊंगा और प्रॉपर आपको नोट करना है। डेट बाई डेट आप लोग डाल के नोट करेंगे, ठीक है, और रिवीजन करते हुए आप लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कहीं बाहर से आप लोग क्लास को देख रहे हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में भी आप लोग इसको जो है देख सकते हैं, यानी कि नोट कर सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सभी का प्रश्न सही होना चाहिए। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ऑफिस इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था, और इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और इसके फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे, RBI के CD देशमुख थे। प्रेजेंट टाइम पे और गवर्नर हैं RBI के, तो शक्तिकांत दास हैं प्रेजेंट टाइम पे RBI के गवर्नर। ये चीज़ें आपको RBI के बारे में पता होनी चाहिए, ओके। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे UPBED एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है यह पुस्तक। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। आपको हर जगह बहुत ही आसानी मिल जाएगी ये मार्केट पे। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी आप लोग इसे ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, यहां पे देख सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप यानी कि एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया गया है। विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर किया गया है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ पे 2021 का पेपर भी लगाया गया है, तो 2017 तक आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी पूरा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग परचेज कर सकते हैं। और साथ ही जो है प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं बेहतरीन। 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 2017 से 21 तक के पेपर होंगे। 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप लोग इसे ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बारौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, तेल शोधन उद्योग के लिए, या चमड़ा उद्योग के लिए, या लौह इस्पात उद्योग के लिए, या कागज उद्योग के लिए। तो बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह जो है तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बरौनी ऑफनेस का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए, प्रतिहार स्वयं को डॉट डॉट का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो प्रतिहार स्वयं को जो है किसका वंशज मानते थे, आपको बताना है। थर्ड का जवाब देने का प्रयास करेंगे, आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, प्रतिहार स्वयं को जो है लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार यानी कि अर्थात द्वारपाल थे। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अभी आप लोग उसको नोट किए हैं तो आप लोग इसको भी नोट करिए। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना है सभी को। तो बंगाल का द्वैध शासन जो है 1765 से 1772 तक चला था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे रहा हूँ, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था, किस दिशा में था राजा राम मोहन राय का काम? पाँचवा का जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपको भी सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। बस आपको करना क्या है, डेली क्लासेस देखना है, डेली क्लासेस देखना है, नोट्स बनाना है और रिविज़न करना, मतलब है डेली शाम को जब भी आपको समय मिले बस आपको रिविज़न करना है। तो राजा राम मोहन राय उनका जो मुख्य काम किस दिशा में था, इनका मुख्य काम जो है समाज सुधार के क्षेत्र में था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किए गए हैं? तो वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए, असमिया शामिल है, मणिपुरी जो है शामिल है, बोडो शामिल है, यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है, तो इसमें मिजो नहीं शामिल है, मिजो भाषा को जो है शामिल नहीं किया गया 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर भोजपुरी पूछ लिया जाए तो भोजपुरी भाषा को भी जो है शामिल नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने पर प्रतिच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? 8वीं का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो पदच्युति का आदेश जो है जारी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी का क्वेश्चन है ये, यूपी जीके का। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय के पास है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक विश्वास के साथ आप लोग चैनल से जुड़े हैं, जितना भी मैटर आपको मिलेगा बेहतरीन मैटर मिलेगा जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फालतू की चीज़ें आपको इस चैनल से नहीं पढ़ाई जाएंगी, ऐसी चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, सर्वोजनीन वयस्क मत अधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है क्या? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या समाजवादी? 11 का जवाब देने के प्रयास करेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, लाइक करने से मोटिवेट होता हूं और भी बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा डेली। अब जो डेली क्लासेस होंगी वो मतलब बिल्कुल बेहतरीन क्लासेस होंगी, इन क्लासेस से मतलब 100% अब आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
सर्वजनीन वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि लोकतांत्रिक है, यानी कि ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, उस प्राकृतिक प्रदेश का नाम बताइए जिसे विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। मैं आपको बता दूं, शवाना प्रदेश या ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है, इसे जो है विश्व के चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल, वो फसल कौन सी है? चावल है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ रहा हूँ कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है? ठीक है, चलिए बताइए सभी लोग। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? यहाँ पे जिला पूछ लिया गया है, अगर राज्य पूछे तो कर्नाटक आपको याद रखना है। तो कर्नाटक का वो जिला है जहाँ पे कॉफ़ी का सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है, वो जिला है कुर्ग जिला, जहाँ पे सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। जैसे क से कॉफ़ी हो गया तो क से कर्नाटक भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, रबड़ वगैरह पूछे तो केरल में। ठीक है, चलिए लैकोलिथ संबंधित है किससे? लैकोलिथ जो है संबंधित है किससे? जवाब देंगे सभी लोग तो लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करें सभी लोग। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी और सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में जल विद्युत शक्ति ग्रह 1897 ईस्वी में स्थापित किया गया था कहाँ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी भाई बहन। तो भारत में जल विद्युत शक्ति ग्रह 1897 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग में स्थापित किया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग अभी जुड़े रहेंगे तो आगे और भी, जैसे आप लोग जब एग्ज़ाम देंगे बीएड में आपका एडमिशन हो जाएगा, थर्ड सेमेस्टर में हो जाएंगे, तो सीटेट यूपीटेट की ऐसी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी ताकि आपका एक ही बार में सीटेट यूपीटेट क्लियर हो सके। जैसे मैं क्लियर किया हूँ सीटेट यूपीटेट फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटैम्प में, तो ऐसे आपको ही ट्रिक मैं बताऊँगा कैसे क्लियर करना है। बस आप लोग बस जुड़े रहें एक विश्वास के साथ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएँ, कोई भी अपडेट्स आएँ, वो अपडेट्स आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिले। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 1806 ईस्वी में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। चलिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18-19 दोनों इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो वो नदी है गोदावरी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पे धरातल से पूछा जा रहा है, ठीक है, ऊपर से नहीं आना है, धरातल से नीचे से ऊपर की ओर जाना है, और ये क्वेश्चन तो मतलब सभी लोग कर लेंगे, दो नंबर तो पक्का है अगर ये एग्जाम में आ जाए तो। प्लीज़ यार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर दिया करें, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह बीएड करना चाहते हैं 2022 में, उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो देखिए, सबसे निचली परत कौन सी है बताइए सभी लोग? सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, इसमें मौसमी घटनाएं घटती हैं। एग्जाम में पूछ लिया गया कि किस परत में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर है समताप मंडल, इसमें वायुयान उड़ते हैं, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला, चारों परत को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये वाली दोनों, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती, तभी तो यहाँ पे वायुयान उड़ते हैं। चलिए, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी सिक्के निर्गत किए? 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? महमूद गजनवी ने। किसने किए थे, निर्गत किए थे? महमूद गजनवी ने। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? किसका ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है?
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त को मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? वह है विशाखदत्त ऑप्शन का जो है सी वाला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1953 में, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट जरूर से जरूर करिएगा। चलिए भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। अगर आप लोग हिस्ट्री की टॉपिक वाइज क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किए थे तुर्कों ने। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु जो है हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। चलिए तीसरे आग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो वो थी श्री रंगपट्टनम की संधि। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए नोट कर लीजिएगा। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पेट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? पेट्रा ड्यूरा का अर्थ बताइए, 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पेट्रा ड्यूरा का अर्थ है क्या? तो संगमरमर के पत्थर पर जवाहरत से की गई जड़ावत, ये पेट्रा ड्यूरा का अर्थ है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नरसिंह मेहता जो है किसके प्रसिद्ध थे? एक पोएट थे। तो नरसिंह मेहता जो है एक गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? वह चट्टान कौन सी है? तो वह चट्टान है औषधि चट्टान। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरी क्लास को आप लोग जरूर देखा करें, चाहे जितनी भी लंबी क्लास हो, 20 से 25 मिनट की क्लास हो, पूरी क्लास को जरूर देखा करें। ठीक है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो यह जो है औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी जागीरदारी संकट। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो मैं आपको बता दूं, बदायूनी अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया है, अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ था? अकबर के संरक्षक बैरम खान का जो है पतन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास में सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो हर एक प्रश्न को नोट करते हुए चलना है। तो 1560 में पतन हुआ था अकबर के संरक्षक बैरम खान का। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेघ स्नेच की पुस्तक का नाम क्या है? सभी को पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये मेघ स्नेच की बुक का नाम है इंडिका। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र किसकी बताइए? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जवाब देंगे सभी लोग, किस उभयलिंगी पशु में परनिषेचन किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस उभयलिंगी पशु में परनिषेचन किया जाता है? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग अभी भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। तो केचुआ ऐसा पशु है जिसमें जो है परनिषेचन किया जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लब्बर क्या होता है बताइए? ब्लब्बर क्या होता है? 35 का जवाब देंगे सभी लोग। तो ब्लब्बर एक, मैं आपको बता दूं, ब्लब्बर एक संघ वसा की परत है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है हिस्ट्री का, ये सभी लोग जवाब देंगे। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण ये जो शतमेव जयते हैं ये जो है कहाँ से लिया गया है? ये तो सेट हो गया माइंड में, अगर आप लोग डेली क्लासेस मेरी देखते होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लिए होंगे तुरंत देखते ही समय। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? जवाब देंगे सब लोग, भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है कौन? तो संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, जातीयता, ये भारत के लिए चुनौती पैदा करते हैं। समाजवाद भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है बताइए? 39 का जवाब क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है ये संसद की स्थायी समिति नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग
देख रहे होंगे अच्छे से। चलिए, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? कौन सा देश है जो एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? मैं आपको बता दूं, चीन एक ऐसा देश है जो दलीय प्रणाली अपना रहा है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली पर्वत जो है ये राजस्थान में है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये जो है हिमालय जो है श्रृंखला का अंग नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए गए थे किसके द्वारा? श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए गए थे किसके द्वारा? तो ये जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के जो है कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो सभी लोग वीडियो को पॉज करें, डीएनए का फुल फॉर्म बताएंगे सभी लोग। डीएनए का और आरएनए का हो सके तो फुल फॉर्म बताएंगे सभी लोग। तो डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स? कहा जाता है एक्सॉन। कहा जाता है क्या? कहा जाता है एक्सॉन। कहा जाता है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऐसे बताना है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? मैं आपको बता दूं, डी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील आपके विटामिन बी विटामिन सी होते हैं। तो इनके रासायनिक नाम से आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग पता कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ, मैं आपको बता दिया हूँ। विटामिन डी ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन बी सी आपके जो है जल में घुलनशील होते हैं। ये वाला तो ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, डब्ल्यू बी सी करके याद रख लीजिए। डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू से वाटर हो गया, विटामिन बी सी ये हो गया, यानी कि जल में घुलनशील हो गया। ठीक है, चलिए, रेशम का उत्पादन किससे होता है बताइए? रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन जो है किससे होता है? 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। रेशम का उत्पादन जो होता है रेशम कीट के लार्वा से होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 ईयर के लिए जो है निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था कौन? और आप लोग एक चैनल से स्टडी करें, जो मटेरियल आपको दे रहा हूँ वही मटेरियल आप लोग एक्सेप्ट करें, इधर उधर आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चैनल से आप लोग बेहतरीन तैयारी करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और इधर उधर आप लोग भागते रहेंगे तो फिर भागते ही रह जाएंगे, कहीं भी मटेरियल आप लोग कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको टॉपिक वाइज इसीलिए मटेरियल दे रहा हूँ, आज से स्टार्ट कर दिया हूँ। जो स्टैटिक जीके हैं ये सब एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और केवल प्रैक्टिस सेट करने से काम नहीं चलेगा आपका। तो शासक बनने के बाद ये आपका 48 वाला क्या हो जाएगा? ए वाला जहांगीर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका जवाब दीजिए। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा लगा के नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त जो है अपने अंतिम जीवन के अंतिम दिनों में जो है अपने जैन धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया था किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 143 में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जेएस की सबसे बेहतरीन क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही आप लोग डेली क्लासेस को देखते रहें, निश्चित ही आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। 10,000 सीट में एक सीट आपको पक्की हो जाएगी। ठीक है, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बस डेली आप लोग क्लास को देख लिया करें, पिछली भी क्लासेस को जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बीएड की पल पल की अपडेट के लिए।